राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से सड़क हादसे ने एक स्कूली छात्रा की जीवन लीला छीन ली। साथ ही इस हादसे में दो अन्य छात्रा घायल हो गई, जिनको एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। वहीं जिस ट्रक ने छात्रा को कुचला, उस पर LPG गैस सिलेंडर लदा था। पीड़ित पक्ष के लोगों ने आरोप लगाया कि जब पुलिस व यातायात पुलिस दोनों को पता है कि सुबह के समय सड़क को पार करने के लिए बड़ी संख्या में स्कूली छात्र जुटते हैं, तो यहां पुलिसकर्मी की तैनाती क्यों नहीं की गई? दरअसल ये पूरा मामला बाहरी दिल्ली के पश्चिम विहार वेस्ट थाना क्षेत्र के अंतर्गत सबसे व्यस्त रोड में से एक रोहतक रोड पर पीरागढ़ी के पास का है। हादसा तब हुआ जब उद्योग विहार और पीरागढ़ी के बीच से गुजरने वाली रोहतक रोड को छात्राएं स्कूल जाने के लिए पार कर रही थी। मृतक छात्रा का नाम मनीषा है, जबकि घायल छात्राओं में कल्पना और संजना शामिल है। परिजनों के मुताबिक बुधवार करीब 8 बजे तीनों छात्राएं उद्योग नगर स्थित अपने घर से पीरागढ़ी स्थित सर्वोदय विद्यालय के लिए निकली। उद्योग नगर परिसर से निकलने के बाद इन्होंने रोहतक रोड पार करना शुरू किया। इस दौरान जैसे ही ये सड़क पार करने लगी, इनका सामना एक तेज रफ्तार कार से हुआ। तीनों छात्राएं कार से टकराने के बाद सड़क पर ही उछल कर गिर गई। इसके पहले कि तीनों संभल पाती, मनीषा एक तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आ गई। मैं जा रही थी और मेरे दो फ्रेंड्स मेरे साथ थे, हम तीनों जा रहे थे तो हमारा कार से एक्सीडेंट हुआ है। कौन कौन थे? मैं, संजना और मनीषा, तीनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं। हाँ, तीनों में एक ही क्लास में, तीनों 12th में ही हैं। एग्जाम देने जा रहे थे? नहीं, एग्जाम तो नहीं था, नॉर्मली स्कूल डेज थे, उसके लिए जा रहे थे। एग्जाम मेरा था एक्चुअली, प्रैक्टिकल होना था मेरा स्कूल में। क्या हुआ था उसके बाद, कैसे हुआ? कार ने हिट किया? कार ने हिट किया, उसके बाद जो मेरी फ्रेंड थी मनीषा, वो चल कर ना के ऊपर से ट्रक निकल कर चला गया। और मेरी सिस्टर कल्पना और एक संजना, वो दोनों साइड हो गई और वो लड़की जब मर गई, वो ट्रक के नीचे आ गई, तो वो अंदर स्पॉट ही एक्सपायर हो गई। बाकी लड़कियों को जो किसी ऑटो वाले ने एक्शन कैंसर बालाजी जो माधीपुर में है वहाँ पे एडमिट कराया। फिर वहाँ से मुझे कॉल आया कि आपकी बहन एडमिट है, तो फिर मैं वहाँ गया, मैंने देखा मेरे पापा हैं और पापा और मैं साथ गए। फिर हालत कैसी है आपकी? मेरी बहन ठीक है पहले से, लेकिन संजना है, उसके हाथ फ्रैक्चर है और पैर भी फ्रैक्चर है, तो रॉड लगेगी पैर में, डॉक्टरों ने बोला है। बता दें कि हादसे के बाद कार चालक तो तीनों को टक्कर मारने के बाद फरार हो गया, लेकिन इसके पहले कि ट्रक चलाकर ट्रक लेकर फरार होता, उसको आसपास मौजूद लोगों ने रास्ता रोककर पकड़ लिया।